हैं कि जब किस्मत जुड़ जाता है तो फिर रास्ता और मंजिल एक हो ही जाता है। कुछ ऐसा ही है आज आलम दीपिका रणवीर के प्यार का। जी हाँ, शादी के बंधन में बन चुकी है ये जोड़ी। रणवीर और दीपिका का नाम हर किसी के जुबा पर है, जिनकी चर्चा आज हर दिल कर रही है। आज दिलों और धड़कनों में जादू चलाने वाली दीपिका पादुकोण बन चुकी है सिर्फ और सिर्फ सिंह परिवार की रानी। सिंह परिवार की एक ऐसी बहू जिनकी खूबसूरती ने हमेशा इस दुनिया को कायल किया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये हमारा खास प्रोग्राम फ्लैशबैक, जिसमें हमने आपको हमेशा से दी है खबरें बॉलीवुड की, फ्लैशबैक खबरों से जुड़ी। तो आज हम आपको ले चलेंगे उस फ्लैशबैक लाइफ की तरफ, फ्लैशबैक लुक्स की तरफ, जो कि डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण की होगी। सिल्वर गाउन में खूबसूरती से कहर ढाने वाली दीपिका जब नजर आई थी LGBT अवार्ड समारोह में शिरकत करते हुए, थी उनकी खूबसूरती देख कैसे हर कोई उनका दीवाना हो गया था, कैसे हर कोई चौंक गया था। LGBT अवार्ड में सिल्वर गाउन में कैसे दीपिका ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जहां पर दीपिका के लुक्स की बात करें, मेकअप की बात करें, हेयर स्टाइल की बात करें, रेड कार्पेट एंट्री के साथ पोज देने की बात करें, मीडिया के सामने फ्रेंडली बिहेवियर की बात करें, हर मामले में दीपिका नजर आई लाजवाब, सुंदर मिसाल, खूबसूरत, लग्जरियस और ग्लैमरस। ऐसे में दीपिका पादुकोण कितनी सुंदर नजर आती हैं हमेशा से। उनकी रेड कार्पेट ब्यूटी की अगर बात करें तो उन्होंने हमेशा मीडिया के सामने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी बातें रखी हैं। हम आपको उनकी कुछ ऐसी झलक दिखाएंगे जिसकी वजह से रणवीर सिंह उनकी तारीफ करते हुए ये नहीं कहते थके कि आई मैरिड, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मैरिड द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज इस प्रोग्राम के स्पेशल एपिसोड में बता दूँ आपको, हाल ही में हुआ वेडिंग सेरेमनी पार्टी जो कि रखा गया था खास तौर पर दीपिका पादुकोण की सिंह परिवार में एंट्री के लिए। ऐसे में यहाँ पहुँचने के बाद पार्टी में स्टेज पर दीपिका पादुकोण हुई काफ़ी ज़्यादा इमोशनल। वो दीपिका जिनके चेहरे की हंसी कभी भी नहीं रुकती, वो दीपिका इतनी लाजवाब नजर आई, सभी के सभी उन्हें देखते ही रह गए। दीपिका जो कि इमोशनल होने पर अपने आंखों में आने वाले आंसू को नहीं रोक पाती, उनकी जुबा भी इस तरह लड़खड़ा उठी थी पार्टी नाइट में जो रितिका भवनानी ने उनके लिए होस्ट किया। ऐसे में रणवीर सिंह ने उन्हें संभाला। रणवीर और दीपिका का प्यार कितना है खूबसूरत, कैसी खूबसूरती ने हमेशा रणवीर को किया है कायल, उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे आज के हमारे प्रोग्राम फ्लैशबैक में, फ्लैशबैक लाइफ दीपिका पादुकोण की। देखिए खास रिपोर्ट्स। जब बात होती है बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की तो ऐसे में चर्चा हर किसी के जुबा पर होती है खूबसूरत अदाकारा डिंपल कपाड़िया से लेकर हेमा मालिनी से लेकर रेखा से लेकर श्रीदेवी से लेकर आज के ज़माने की एक्ट्रेसेस की। आज के ज़माने की एक्ट्रेस में नाम डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण का बिल्कुल उसी तरह है जैसे कभी ड्रीम गर्ल हेमा का हुआ करता था। आज की ड्रीम गर्ल है डिंपल गर्ल यानी कि दीपिका पादुकोण, ये कहना था खुद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का, जो हर किसी के तारीफों में रहती है। सैफ अली खान जिनके हैं दीवाने, रणवीर जिनके पड़े प्यार में, आज रणवीर सिंह ने कहा कि जिनसे उन्होंने शादी की है वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जी हाँ, शादी होने के बाद जब रितिका भवनानी ने अपने भाई रणवीर सिंह और अपनी भाभी दीपिका के लिए वेडिंग रिसेप्शन अरेंजमेंट किया, पार्टी अरेंज किया मुंबई में, तो वहाँ पर स्टेज पर इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी पत्नी को अपनी फैमिली और अपने क्लोज फ्रेंड्स के बीच रणवीर ने तारीफों के साथ उन्हें प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया, जिसकी वजह से काफ़ी भाव विभोर हो गए थे दीपिका। फिलहाल आपको हम ये बताना चाहेंगे किस तरह से सिंह परिवार की बहू दीपिका पादुकोण के पिता जो कि बॉलीवुड की लाइमलाइट से दो स्पोर्ट्स फिल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए दीपिका पादुकोण खास है। और दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं अपने पिता को लेकर। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जिन्होंने अपनी खूबसूरती से हमेशा राज किया, उन्होंने एक अवार्ड समारोह में अपने पिता को लेकर कुछ ऐसी बातें की थी जिससे शायद आप भी यही कहेंगे कि वाकई में दीपिका के दिल में उनके पिता के लिए
काफी ज्यादा गहरी जगह है जो शायद कोई भी उनकी जिंदगी में ना ले सके। बता दे आपको, दीपिका पादुकोण जिन्होंने इस साल इसी महीने रणवीर सिंह से शादी की है, उन्होंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। 5 जनवरी साल 1986 में जन्म लेने वाली दीपिका पादुकोण, जो कि 32 साल की हो चुकी हैं, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से पहले मॉडलिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाया था। जी हाँ, छोटी बहन भी है उनकी जिनका नाम है अनिशा पादुकोण। इसके अलावा वो अपनी फैमिली की फेवरेट भी हैं। फिल्म फेयर अवार्ड से लेकर तमाम अवार्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड के टॉप हीरोज के साथ काम किया। तमाम एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाले दीपिका पादुकोण के फादर की अगर बात करें तो आपको ये बात शायद ही मालूम हो कि प्रकाश पादुकोण, जो कि इंडियन फिल्म एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता हैं, वो बॉलीवुड की टॉप हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के पिता होने के साथ साथ खुद भी जाने माने बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं प्रकाश पादुकोण, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें वर्ल्ड नंबर 1 रैंक में भी रखा गया था। एक समय 80 के दशक की हम बात कर रहे हैं जब उन्होंने बैडमिंटन क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया। बैडमिंटन खेल जगत में उन्होंने खूब नाम भी कमाया, जिन्होंने पहले भारतीय के तौर पर अपनी पहचान बनाई, जिन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के अवार्ड से भारतीयों को गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया। 63 साल के हैं दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण, जो अपनी बेटी की शादी को लेकर काफी खुश है, इसमें कोई शक नहीं। अर्जुना अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं प्रकाश पादुकोण। उनके बारे में दीपिका पादुकोण ने क्या क्या कहा है, आइए सुनते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू जेंट्स फॉर दिस अमेजिंग ऑनर। Thank you so much, most importantly, for being so patient with me. I know we were trying to do this for many, many years, and I'm sure I'm glad this finally happened. And this award is even more special because Shaina was sitting next to me, and it feels lovely to have won something where my father has also won an award for his contribution to sports. I think that was back in 2002 when I was still in school. So it feels great to be here and thank you Nana ji, thank you Prakash ji, thank you Shaina. And having started my own foundation last year, the Live Love Love Foundation, which focuses on creating awareness on mental health, I understand how difficult it is to do social service and social work, and so I want to thank and congratulate everyone at Giants International for the amazing work that all of you have done over the years. अब हम आपको ये बताने वाले हैं कैसे एलई ब्यूटी अवार्ड समारोह में खूबसूरती से कहर ढाती नजर आई आपकी फेवरेट दीपिका पादुकोण। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने किस तरह से हर किसी को अपना बनाया, देखिए जरा इस खास वीडियो में, जिसमें वाकई काफी खूबसूरत नजर आई हैं। जी हाँ, देखकर आप भी हो जाएंगे हैरान, लेकिन सच में दीपिका की खूबसूरती का कोई जोड़ तोड़ नहीं। दीपिका की खूबसूरती की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बता दें आपको, दीपिका पादुकोण एली ब्यूटी अवार्ड समारोह में सिल्वर गाउन में जब नजर आई तो हर के उन्हें क्यों देखता ही रह गया। जी हाँ, हर कोई देखता रह गया कि दीपिका इतनी लाजवाब नजर आई। इस साल के इस खास झलक को देख आप यकीन तो जरूर करेंगे कि वाकई में दीपिका इतनी खूबसूरत रही है शुरू से ही कि उनकी खूबसूरती देखने के बाद कोई भी उनकी तारीफ करने से नहीं थकता था। देखिए ये खास नजारा दीपिका पादुकोण की खूबसूरती का, सिल्वर गाउन में किस तरह खुद के पोज देने से नहीं थकती नजर आई दीपिका। इसी के साथ वहां मौजूद तमाम सितारों के बीच भी दीपिका पादुकोण अपने स्वीट बॉन्डिंग, स्वीट बिहेवियर से कैसे तारीफों के पोल बंधवाती रही। वहां जब नारे लगे दीपिका के नाम के रेड कार्पेट पर एंट्री, जी हाँ,
एली ब्यूटी अवार्ड 2018 के अवार्ड से जुड़े इवेंट के रेड कार्पेट पर जब दीपिका पादुकोण ने एंट्री की तो वहां किस तरह से हर कोई उनका दीवाना होता नजर आया, देखिए जानिए सुनिए इस खास वीडियो। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सेन तक, बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी से लेकर जया बच्चन तक, उस जमाने की जो हीरोइनों की बातें होती थी आज के जमाने में होती है बातें उन्हीं की तरह। डिंपल कपाड़िया की तरह, अमृता सिंह हेमा मालिनी की तरह, ड्रीम गर्ल की तरह आज की ड्रीम गर्ल डिंपल कपाड़िया की बातें आज बातें होती है खास तौर पर डिंपल गर्ल की। जहां एक तरफ डिंपल गर्ल के नाम से प्रीति जिंटा की होती रही बातें, आज डिंपल गर्ल ड्रीम गर्ल कोई और नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फेवरेट दीपिका पादुकोण। मॉडलिंग के साथ बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद एड के साथ बॉलीवुड में रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत के साथ सफर जिनका तय हुआ सिंह परिवार में एंट्री कर, वो दीपिका पादुकोण कैसे करती आई हैं रणवीर सिंह के दिल पर राज, ये हमने आपको बताया, खास झलक हमने आपको दिखाया कैसे ख्याल रखते हैं रणवीर सिंह, किस खूबसूरती ने हमेशा से रणवीर को कायल किया है, उस खूबसूरती की हमने आपको झलक दिखाई। तो अब वक्त आ गया है आप सभी से यही इजाजत लेने का। जी हाँ, इस प्रोग्राम फ्लैश बैक का हम यही करते हैं दिन, लौटेंगे फिर से आपके बीच अगले एपिसोड को लेकर बॉलीवुड की फ्लैश बैक लाइव से आपको अपडेट कराने के लिए, इसी तरह बॉलीवुड टाउन की लेटेस्ट खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।